हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एसएससी स्टाफ पर स्वागत है। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए हरियाणा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। सो आइए देखते हैं वो क्वेश्चंस। मैंने 100 क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए। मैं इन 100 क्वेश्चन को दो वीडियो में 50-50 करके आपको बताता हूँ। ओके गाइज, आइए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला था। 1926 ईस्वी में हरियाणा में पहला कॉलेज खुला था। दूसरा प्रश्न, हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खुला था। पहला कॉलेज रोहतक में खुला था। तो दोनों क्वेश्चन रिलेट करते हैं। पहला कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था, ठीक है दोस्तों। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा ही था। चौथा क्वेश्चन, हरियाणा समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे। पंडित दीन दयालु शर्मा जी। पंडित दीन दयालु शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे। रिफाए आम। खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट अखबार है हरियाणा का। ये 1889 ईस्वी में शुरू हुआ था। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ। 1916 में। जाट गजट कहाँ से निकलता था। रोहतक से, हमने पहले पढ़ा था। जो हरियाणा अखबार था वो कहाँ से निकलता था, झज्जर से, और जाट गजट रोहतक से। जाट गजट के संपादक कौन थे, चौधरी छोटू राम जी। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ, 1923 में, और हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे, पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे, कुंगड़ भिवानी के, ठीक है दोस्तों। बाबू बालमुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे, गुड़ियानी रेवाड़ी से। बाबू मुरलीधर कहाँ के निवासी थे, अम्बाला से। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है दोस्तों। अब हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं। अब हरियाणा में कुल 6 मंडल हो गए हैं। पहले 4 थे, 2 बाद में बनाए गए, अभी टोटल 6 मंडल है, 6 डिवीज़न है। सभी मंडलों के नाम बताइए। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अम्बाला मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। अम्बाला मंडल में कुल 4 ज़िले आते हैं, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ठीक है दोस्तों। करनाल मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। करनाल मंडल में 3 ज़िले आते हैं, करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। रोहतक मंडल में 5 ज़िले आते हैं। आइए देखते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। हिसार मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। हिसार मंडल में भी 4 ज़िले आते हैं, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। गुरुग्राम मंडल में 3 ज़िले आते हैं, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। फरीदाबाद में 3 ज़िले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूँह, ठीक है दोस्तों। अब 25वां क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है। अम्बाला पुलिस रेंज अभी नई बनी है हरियाणा में। अब हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज हो गई है। अभी 5 हो गई हैं, पहले 4 थी, एक करनाल में बन गई है, तो अभी 5 हो गई हैं। सभी पुलिस रेंज के नाम बताओ। अभी जैसे हमने देखा कि ये देखिए अम्बाला में बनी है, तो सबसे पहले अभी अम्बाला में बनी, उससे पहले करनाल, हिसार, रोहतक और साउथ रेंज, ओके, जिसका मुख्यालय रेवाड़ी में था। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, अम्बाला रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं। अम्बाला रेंज में 3 ज़िले आते हैं, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं। करनाल रेंज में 3, करनाल, पानीपत और कैथल। हिसार रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी और जींद। रोहतक में कौन कौन से ज़िले आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अच्छा है रिपीट हो तो आपको याद रहेंगे। इसमें रोहतक ज़िले में 5 आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, दादरी और भिवानी। साउथ रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नूँह। अब 33वां क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी है। 3। हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरी के नाम बताओ। एक पंचकुला में है, एक गुरुग्राम में है और एक फरीदाबाद में है। हरियाणा में कौन सा पुलिस ज़िला नया बनाया गया है, जो ज़िला नहीं है, केवल पुलिस ज़िला है, ठीक है दोस्तों। हांसी। हांसी कोई ज़िला नहीं है, बट इट इज़ ओनली ए पुलिस डिस्ट्रिक्ट, ओके गाइस। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हरियाणा का 22वां ज़िला कौन सा है। चरखी दादरी को अभी 22वां ज़िला बनाया गया था, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़ में।
हरियाणा में कितनी नई तहसील बनाई गई है? हरियाणा में 10 और तहसील बना दी गई है। हरियाणा में कितनी नई उप तहसील बनाई गई है? 11। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी बनाई गई है। हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी का अध्यक्ष और चेयरमैन किसे बनाया गया है? डॉक्टर प्रमोद कुमार को। हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? गाँव दुधौला, जिला पलवल। हरियाणा के कितने ग्रामीण जिले खुले में शौच मुक्त हो गए हैं? 7। हरियाणा में कितने शहरी जिले खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं? 2 शहरी। टोटल 7 हो चुके हैं और शहरी देखें तो सिरसा और रोहतक। वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगाने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में थीम स्टेट कौन सा राज्य होगा? झारखंड। वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में पार्टनर कंट्री कौन सा देश होगा? इजिप्ट। वर्ष 2017 में सूरजकुंड में लगने वाले 31वें क्राफ्ट मेले में कौन कौन से देश पहली बार भाग ले रहे हैं? इथोपिया, मंगोलिया और स्लोवेनिया। नोटबंदी में किस किस मूल्य के नोट केंद्र सरकार ने बंद किए थे? आपने देखा होगा 500 और 1000 के पिछली साल नवंबर में गवर्नमेंट ने ये नोट बैन कर दिए थे। SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा और पंजाब में अभी इसको लेकर विवाद चल रहा है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? सिसाई हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहां स्थित किया जा रहा है? गोरखपुर, फतेहाबाद में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अब इससे आगे के 51 से 100 तक के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया आप सभी के लिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके, तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।